इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मनमोहन जी मोदी, स्वर्गीय शांता देवी मोदी, स्वर्गीय माणक चंद जी मोदी की पुण्य स्मृति में श्रीमती मंजू देवी, श्री अंकित कुमार, श्रीमती रूपल, श्री अमित कुमार, श्रीमती शीना, श्री पीयूष मोदी, श्रीमती अनामिका निर्वाण विवान कियांश। फर्म स्वास्तिक फैशन निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। चर्चा चल रही थी कि वह जो अकृत पुण्य था और उसने जो पूर्व जन्म में निर्मल द्रव का सेवन किया था उसके प्रभाव से वह जो भी कार्य करता था उसके कार्य में विघ्न आते थे और उसकी माँ कह के जाती है कि बेटा कोई मुनि महाराज आए तो उनको रोक लेना, पड़गाहन कर लेना। वह नहीं जानता था कि कैसे पड़गाहन करना होता है। महाराज आते हैं, वह कहता है महाराज माँ ने खीर बनाई है और आप रुक जाइए। तो महाराज धीमी गति से अपनी धीमी गति करके थोड़े से रुक जाते हैं और जब तक बच्चा नहीं जानता था कि कैसे पड़गान करना है और माँ आती है परिक्रमा आदि ला के नब्दा भक्ति पूर्वक आहार दान करवाती है। उस आहार दान के प्रभाव से उसका पुण्य इतना बढ़ता है कि वह जो उसका निर्माल द्रव का दोष था वह दूर हो जाता है। यानी दान की महिमा, चारों प्रकार के दान आगम ग्रंथों में कहे गए हैं तो अपरंपार है। यानी कई लोग हम देखते हैं कि खड़े रहते हैं, आहार देने के लिए नहीं आते हैं। बिहार में जाते थे तो बाहर खड़े थे, ना अभिषेक करते ना पूजन करते। हम देखते हैं कुछ बूढ़े वृद्ध लोग बस पूजन अभिषेक करके चले जाते हैं। देखो मंदिर बनाना कोई बड़ा काम नहीं है क्योंकि सब बना लेते मंदिर, लेकिन मंदिर में मंदिर जब ही शोभा को प्राप्त होते हैं जब वहां अभिषेक और पूजन करने वाले हों, जब प्राण प्रतिष्ठा उसमें तब होती है। प्राण प्रतिष्ठा तो मंत्रों के माध्यम से होती है, लेकिन भगवान की जब अपन ने विराजमान तो कर दिया, पूजन कोई किराए के आदमी करेंगे क्या? अलग से बुलवाओगे किराए के? यहाँ का युवा वर्ग तो दिखता ही नहीं है, दिखेगा जब कब कार्यक्रम में। लेकिन पहले से उनके नियम आदि होना चाहिए कि हमें प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करना है। भगवान से ही जिसकी शुरुआत हो जाती है प्रातःकाल की बेला से, तो प्रातःकाल की बेला में ही हम पूजन अभिषेक आदि की क्रियाएं करके अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। बोलते हैं जाने कि किसका मुख देख लिया कि हमारा दिन खराब गया। सबसे पहले किसका मुख देखना चाहिए? भगवान का। भगवान का मुख अगर जो देख के जाता है तो उसका दिन मंगलमय होता है, मंगलमय उसकी यात्रा होती है। इसलिए ऐसा नहीं करें कि सिर्फ वृद्ध लोगों ने ठेका ले लिया है ना, तो बस वो अभिषेक कर रहे हैं, बस दो चार लोग खड़े हैं, बाकी मंदिर से गायब, कल सा ढारो रे और भागो रे। तो ऐसा नहीं करना। सब है ना धोत कार्यक्रम की तैयारी में लगे हैं, ठीक है अभी छूट हो सकती है कि चलो कार्यक्रम में उनको वो मेहनत करा, लेकिन ज्यादा समय तो लगता नहीं अभिषेक में, है ना। सब तैयार रहता है, बस 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं अभिषेक में। अभिषेक करके अर्घ्य चढ़ा के जा सकते हैं। ये तो बड़े सौभाग्य का विषय है। उनसे पूछो जिनको अभिषेक करने नहीं मिलता, उनको तकलीफ होती है। किसी ऐसे व्यक्ति से पूछना जिसको रोग है कोई ऐसा, सफेद दाग आदि, और वो पूजन अभिषेक नहीं कर पाता, उसको तकलीफ होती है, अंदर अंदर पीड़ा होती है। कई लोग आते ऐसे, छोटे बच्चों से पूछो तुम जो 8 साल से के नहीं हुए होंगे, उन बच्चों को कितना आनंद आता है और लगन रहती है कि अभिषेक करना है, वो नहीं कर पाते। आहार देने का उनका होता है मन, और भी जो लोग आहार देने के पात्र नहीं होते वो कई बार आते हैं, उनके मन में प्रश्न आता है। यानी इससे ये साबित होता है कि जिनको नहीं मिलता है उनको उसकी कीमत रहती है, और जिनको मिलता रहता सो वो कुछ नहीं रहता, घूमते रहते हैं इधर सुबह से शाम तक, देखते हैं ऐसे घूमते रहते, आहार भी नहीं देते हैं। तो आहार नहीं दोगे तो कैसे सीख पाओगे? कोई अलग से नहीं आएगा? कोई स्कूल खुला है आज तक कि आहार दान देना सिखाया जाए? बताओ आप। तो धीरे धीरे सीखोगे, और चिंता नहीं करो, डरना नहीं, गलती करके ही सीखता है व्यक्ति। इसलिए तो अपन पूजन के बाद में क्या बोलते हैं, बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोए, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण होए। और अभी से एक पाठ पढ़ रहे थे, कौन सा पढ़ रहे, हमें तो पहली बार सुना हमने, मांग नंदी वाला ही सबसे अच्छा होता, वो पूरा पढ़ के ही क्रियाएं की जाती है, ऐसे नहीं पढ़ना है ना, कुछ मंत्र तो पढ़ते नहीं अभिषेक शुरू हो जाता, पूरी शांति धारा हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना, भैया जी के माध्यम से आप सीख लें
कि कैसे क्या प्रक्रिया की जाती है। अब कहते कहेंगे लोग कि हमारे बुजुर्ग वही करते चले आ रहे हैं। देखो पहले इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। हाँ नए मंदिर में हाँ तो महाराज जी कह रहे हैं कि पंचकाणक से इन लोगों की शुरुआत हो जाएगी। तो ये जो मांगलिक क्रियाएं हैं, अभिषेक की क्रियाएं व्यवस्थित करना चाहिए, मंत्र पूरे बोल करके व्यवस्थित। अपन कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहां से किसने लिखा हमें खुद नहीं मालूम। तो मांगनंदी कृत ही वो अभिषेक पाठ करके पूरी मांगलिक क्रियाएं करें और शांति धारा भी करें, उससे ही अपन को पुण्य का अर्जन होता है। क्योंकि जब तक पूरी क्रियाएं नहीं करेंगे तब तक वो पुण्य का अर्जन नहीं होता है। तो कल बात चल रही थी दान की, तो दान वीर कर्ण का मान होता है, दानियों के गौरव का बखान होता है। जो दान की महिमा को समझ जाता है दुख में भी सुख अनुभव वो पाता है। तो पुण्य कमाने का रास्ता है बड़ा आसान, खोले अपनी जेबें और कर डालिए दान। दान की महिमा अपरंपार है, कल बताया था कि दान करे खोल कर दिल आंखें करके बंद, देख दान वीरता आपकी लिखेगी छंद। उन्हीं की कहानी लिखी जाती है। एक महिला हुई है 2000 वर्ष प्राचीन, एक महिला हुई है अति मब्बे नाम की, कर्नाटक की महिला हुई है। और उस महिला को दोहला आता है, स्वप्न जैसा दोहला। गर्भ में उसके बालक था और अपनी सासू माँ से कहती है कि मुझे ऐसा दोहला आया है कि मैं 1000 मुनि राजों को एक साथ आहार दान करूं। कठिन कार्य है एक साथ 1000 मुनि राजों को आहार दान करना, 1000 प्रतिमाओं को विराजमान करूं। देखो प्रतिमा की महिमा का वर्णन लिखा है शास्त्रों में कि मैं उसका वर्णन करने के लिए सरस्वती भी समर्थ नहीं। ऐसा लिखा है कि कुंदरू के बराबर, बेलपत्र के बराबर, धनिया के बराबर छोटी सी भी प्रतिमा विराजमान करता है उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। मुनिराज आप बन सकते क्या? नहीं बन सकते, बना भी नहीं सकते, क्योंकि जिसके भाव होंगे वही बनेगा। लेकिन प्रतिमा विराजमान जो करता है वो प्रतिमा के माध्यम से उसका पुण्य इतना इकट्ठा हो जाता है, जब भी उसके ऊपर कोई समस्या आती है तो प्रतिमा में जो उसकी प्रशस्ति में जो उसका नाम लिखा होता है ना, तो वो रक्षा हो जाती है उसके माध्यम से। एक व्यक्ति था, एक बार उसके लड़के को कुछ हो गया, समस्या आ गई थोड़ी, तो हमने कहा प्रतिमा विराजमान होती, हमने कहा हाँ पारा रख दो भगवान के नीचे, तो उसकी जो समस्या थी वो दूर हो गई। तो इस माध्यम से अपनी रक्षा होती है। शांति धारा में तो कितने बार, एक बार में, एक ही दिन में एक बार नाम आता है। मान लो कोई परमानेंट करता है वो अलग बात, एक बार बोलता है नाम, तीन बार बोल जाएगा। लेकिन प्रतिमा जो विराजमान करता है उसका, उसके साथ भगवान का संबंध हो जाता है, मतलब भगवान के साथ जुड़ाव हमेशा रहता है उसके नाम का। तो इसकी कई लोगों के अभी नाम भी नहीं आए हैं प्रतिमा के लिए, सोच रहे हैं दूसरे आएंगे तो वो रखेंगे। अरे हमारे भगवान, जब देखो बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े भगवान विराजमान किए तो छोटे लोग तो छोटे तो कर ही सकते हैं ना। तो उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। प्रतिमा विराजमान जो करता है, कितने लोग दर्शन करते हैं, अभिषेक करेंगे, सबके पुण्य का छठवां हिस्सा आपको प्राप्त होता है। कल भी बताया था ना कि जो भी मंदिर में वेदी शिखर, जो भी छत्र चमर भामंडल, सबकी महिमा बताएगी। ऐसी प्रतिमा विराजमान करने वाला महाभोग सौभाग्यशाली और पुण्यशाली होता है। ऐसे नहीं सोचो कि ये तो प्रतिमा बहुत सारी हैं, अपन को ही विराजमान करेंगे तो अपनी आस्था श्रद्धा जुड़ती है। एक व्यक्ति की बाहर से खबर आई कि एक बड़ी प्रतिमा विराजमान करने का भाव रहा है, लेकिन हमारी भावना ये कि रोज जिस प्रतिमा का अभिषेक प्रतिदिन हो उसके लिए हमारी भावना विशेष है। सबके अपने अपने भाव रहते, कोई सोचता है बड़ी प्रतिमा विराजमान करें, लेकिन सभी लोगों को प्रतिमा विराजमान अपन करेंगे तो अपने प्रतिदिन भाव जुड़ते हैं। कुंडलपुर का जब मंदिर बन रहा था तो आचार्य श्री से एक व्यक्ति ने कहा, जिन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मंदिर में सबसे ज्यादा सहयोग दिया है, और उन्होंने कहा आचार्य श्री बड़े बाबा का मंदिर हम ही बनाएंगे पूरा। आचार्य श्री ने मना कर दिया। आचार्य श्री ने कहा नहीं, आप अकेले नहीं बनाओगे, क्योंकि बड़े बाबा का बड़ा मंदिर है, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के लोग जुड़ेंगे, भावनाएं जुड़ेंगी। गरीब आदमी भी अगर छोटा सा दान देता है तो वो जुड़ता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि हम बड़े बड़े लोगों का ही बड़ा काम होता है, बड़े लोग ही बड़ा दान देंगे, छोटे छोटे व्यक्ति भी। इसलिए तो शांति धारा की प्रतिदिन ये व्यवस्था रखी गई है कि कोई बीमार है तो बीमार के नाम से प्रतिदिन अगर शांति धारा होती है, वो राशि भी नहीं दे तो अपन को नाम तो बोलना चाहिए, बीमार के लिए छूट होना चाहिए।
लेकिन किसी का जन्मदिन है तो वो लेता ही है, किसी की पुण्यतिथि रहती है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी रहती है, कोई और भी दिन रहता है। ये शांति धारा की व्यवस्था होने से प्रतिदिन लोग जुड़ते भी हैं और भावना भी जुड़ती है। ऐसी प्रतिमा के साथ अपनी भावना जुड़ती है और जब तक वह प्रतिमा विराजमान रहती, जब तक अपना मतलब अपनी उम्र रहती है, अपन प्रतिदिन आते दर्शन करते हैं तो एक अलग ही विशुद्धि बढ़ती है। और प्रतिमा विराजमान करने का सबसे ज्यादा पुण्य, इसीलिए तो लिखा गया है। वैसे तो हर कार्य महत्वपूर्ण है, लेकिन जो प्रतिमा बची है अति शीघ्र नाम आना चाहिए। इसमें सोचा विचार नहीं कि बोलेंगे बाहर वाले लेंगे, एक तरफ तो ये बोलते हैं कि बाहर वालों को नहीं देना, एक तरफ बोलते हैं कि बाहर वाले लेंगे, समझ में नहीं आती कहानी। ये लोग बहुत होशियार है कि पहले सोच रहे अच्छा अच्छा अपन माल ले लो और जो बचेगा वो बाहर वाले ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। सबकी भावनाएं जुड़ना चाहिए, सबको, जैसे बड़ी प्रतिमा वालों ने बड़ा पुण्य इकट्ठा किया है, ऐसे छोटे लोग भी बड़ा काम कर सकते हैं। ये तो अपन सोचो हमारा सौभाग्य है। कई लोग कहते हैं ये मंदिर कौन बनाएगा, तो हम हमेशा बोलते हैं कि मंदिर भगवान का तुम नहीं बना पाओगे, तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं है, भगवान का मंदिर भगवान खुद बनाएंगे। इसी प्रकार से तुम देखना, हो सकता बाहर वाले ले जाए और तुम देखते रह जाओगे, ऐसा कभी नहीं करना। जैसे वो कहते ना, मेरी कुटिया मेरी झोपड़ी के भाग, मेरे मंदिर के भाग जब खुल जाएंगे प्रभु आएंगे, है ना, मंदिर के भाग खुल जाएंगे। तो अपने अपने मंदिर का सौभाग्य अपन समझें कि हमने प्रतिमा विराजमान की। और धातु की प्रतिमा जो रहती है वो कितने वर्षों तक रहेगी, और जब तक रहेगी तो अपन को दर्शन होंगे इतने, इसके साथ साथ कितने सारे लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से छंदे में बंद होंगे आप जैसे दानवीर कर्ण दानी, और खाली कर तिजोरी जल्दी से लिख दे कहानी। कई लोग रहते हैं कि वो कहते कि महाराज जी ने अभी उदाहरण सुनाया था एक व्यक्ति का कि कुंडलपुर में चाबी लग रही थी, वो चाबी जानते हैं जो शिखर में वो पत्थर लगता है उसको चाबी बोलते हैं, नहीं तो लोग सोचे वो लॉक वाली चाबी, वो नहीं, चाबी बोलते उसको। और एक व्यक्ति आया और चल रही थी बात कि ये चाबी कौन लगाया, कोई व्यक्ति नहीं था उधर, और महाराज जी ने बताया था कि वो व्यक्ति आचार्य जी से बोलता है कि आचार्य जी हम देंगे, कितना समझ गए ना सारे में हैं, और देंगे इतना, और आचार्य जी हमारे पैसा नहीं है लेकिन हमें देने की भावना इतनी है। और संयोग से ये हुआ कि उसने जैसी आचार्य जी से भावना व्यक्त की, और उसका कुछ काम जो था, बिजनेस जो भी था, उसकी मिट्टी जो थी ना, मिट्टी कुछ वो निकलता था ना कुछ पत्थर आदि, और वो ऐसी रखी थी मतलब उसका कोई दीद, और उसका 70 में किसी व्यक्ति से उसका सौदा हो गया, जैसे ही उसने दान की भावना करी और सौदा हो गया, देखो उस मिट्टी की भी कीमत बढ़ गई। तो ये होता है दान का प्रभाव कि जैसे ही उसने भावना की दान की और उसकी कीमत बढ़ गई, वैसे मिट्टी थी वो लेकिन मिट्टी भी सोना बन गई। तो दान की जैसे ही भावना उसने आचार्य श्री से व्यक्त की और देखो उसकी मिट्टी की कीमत बढ़ गई। तो ये दान का प्रभाव है, अचिंत प्रभाव होते हैं कि लोग सोचते हैं कि क्या करें। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति था जो क्या करता था, वो जैन नहीं था, उसने सोचा सुसाइड कर लें हम, ठीक है ना, सुसाइड करने जा रहा था वो, और एकदम से उसको ध्यान आया कि यार जीवन अनमोल है, चलो अपन एक जैन संत हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी, उनके दर्शन कराते हैं, भाई अमरकंटक में विराजमान हैं। और वो चला गया आचार्य श्री के पास दर्शन करने, उसकी लड़की भी थी, दो तीन लड़की थी, और समस्या थी आर्थिक रूप से, वो परेशान हो गया था इसलिए वो सुसाइड कर रहा था। उसने आचार्य श्री को बताई अपनी समस्या, और आचार्य श्री ने उसको कहा कि चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, और तुम ऐसा कुछ नहीं करो, थोड़ा थोड़ा दान आदि किया करो, और कोई महाराज जी के पास आचार्य श्री ने संकेत कर दिया और भेज दिया। और महाराज जी ने एक जबलपुर में एक व्यक्ति था जैन, जो वस्त्र आदि का कार्य करता था, और उसका बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा था, और बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था वो भी परेशान था, और इस व्यक्ति को कहा कि तुम उसके यहाँ जाके काम करने लग जाओ, हम खबर कर देते हैं, ठीक है ना। वो चला गया और उसके यहाँ काम करने लगा और कुछ दान भी करने लगा, और उससे ये हुआ कि जो जैन व्यक्ति था उसकी दुकान अच्छी नहीं चल रही थी, जैसे ये व्यक्ति पहुंचा तो उसकी दुकान अच्छी चलने लग गई, और इसकी भी आजीविका बन अच्छी चलने लगी,
और आज वो व्यक्ति इतना धनिक बन गया, पैसे वाला बन गया, जो अजेय व्यक्ति था और उस आत्महत्या करने से बच गया। मतलब आचार्य ऋषि के निमित्त से उसकी जान बच गई, यानी उसने जैसे ही सोचा कि चलो दर्शन करने चलते, उसने आत्महत्या का जो विचार था वह कैंसिल कर दिया, तो दान के माध्यम से उसकी जान बची। तो दान की अचिंत महिमा है, अचिंत प्रभाव है। जब जब जिन व्यक्तियों ने मंदिर के लिए परोपकार के कार्यों के लिए जब भी दान दिया तो बस उनकी यह कीर्ति पूरी दुनिया में फैलती गई। तो हम अपनी जीविका जो हमें मिलता है उससे चलाते हैं, लेकिन हम दान देकर किसी की जिंदगी बनाते हैं। तो इस प्रकार से श्रेष्ठि जन में श्रेष्ठ है, दान वीर सरताज सदा आपके सर सजे, दान पति का ताज। एक व्यक्ति राजस्थान में ही था, क्योंकि व्यक्ति के नाम लेने में थोड़ी सी समस्या आती है, किसी का नाम लो कोई और भी दिक्कतें रहती ना, इसलिए नाम नहीं लेते हुए राजस्थान की बात थी। उसने मुनिराज से निवेदन किया कि मैं मंदिर बनाना चाहता हूं, तो महाराज जी ने कहा अभी रुको। तो वो राशि इकट्ठा करता गया करता गया करता गया, इतनी सारी राशि इकट्ठी करी कि उसने इतना बड़ा दान दिया कि लोग सुनेंगे तो चौंक जाए, बहुत बड़ी राशि। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनकी भावना, एक व्यक्ति था उसने, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, गरीब था, और उसने कहा कि मंदिर के लिए हम अपना ये मकान दे देते हैं। और जैसे ही उसने मकान तो दे दिया अपना दान में, उसके बाद उसकी स्थिति अच्छी होती गई होती गई, और उसने मंदिर के लिए और भी बहुत बड़ा दान दिया। तो एक से एक लोग दुनिया में हैं जिनकी यह कीर्ति फैली है। तो किस माध्यम से फैली है? दान के माध्यम से फैली है। इसलिए अपन को कंजूसी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी मौका मिले, चाहे वो आहार दान हो, आहार दान में ऐसे नहीं घूमते रहना, नहीं तो साधु संत तो चले जाएंगे, तुम ऐसे ही रह जाओगे। तो इसलिए अच्छे से धोती पहन के, हाँ जिनको व्यस्तता है जिनको काम है वो छोड़ के घूमते नहीं रहना। कई लोग ऐसे घूमते रहते, हम देखते थे, हम लोग आहार ले रहे हैं वो बाहर सामने खड़े हैं। विदिशा की बात थी, और एक व्यक्ति आहार देने नहीं आ रहा था, दरवाजे पे खड़ा था। तो लोगों ने कहा महाराज जी ये बहुत पुण्यशाली व्यक्ति हैं, कमेंट्स किया। कमेंट्स भी दो तरह के होते ना, और उसने कमेंट्स किया लोगों ने, उन्हीं के घर के व्यक्तियों ने। और हमने सोचा कि चलो ये आएगा, इसको समझाएंगे भैया पूजन करने से आहार दान करने से बहुत पुण्य का अर्जन होता है। और वो व्यक्ति जैसे यहाँ बैठे थे कमरे में और सामने आता हुआ दिखा, हमने कहा ये कौन आ रहा है व्यक्ति, समझ में नहीं आया। फिर जैसे जैसे पास में आता गया, और उसके हाथ पैर में प्लास्टर था, और जैसे ही वो आया दर्शन रोने लगा। हमने कहा देखो हो सकता तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और तुम्हारी तो मृत्यु होनी होगी, लेकिन तुम्हारा पुण्य इतना तेज था कि तुम बच गए, और बच गए तो अब अच्छे काम करना, हमेशा पूजन अभिषेक आदि और आहार दान करना, क्योंकि अब जो शेष जीवन बचा है तुम्हारा इसी पुण्य कार्यों के लिए बचा है। और उसने फिर नियम ले लिया कि अब हम अच्छे कार्य करेंगे। इसलिए जीवन में कोई भरोसा नहीं कब कौन सी घटना घट जाए। देखो महापुण्यशाली व्यक्ति भी होते हैं तो भी उनको रोग आदि हो जाते हैं, समस्या आ जाती है, कठिनाई आती है, तो सामान्य व्यक्ति की तो बात अलग ही है। तो ये अवसर हैं, ये बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। कई गांवों के लोग तरसते हैं कि हमें ऐसे सौभाग्य मिले, बार बार आते हैं लेकिन नहीं मिल पाते हैं। तो आपको मिल रहा है और आपका पुण्य जगाने का अवसर आया है, और आप बस अपने जीवन में कुछ शांतिनाथ भगवान से जुड़ें और अपने जीवन में सुख शांति आए और अपना जीवन अच्छा बने, इन्हीं भावनाओं के साथ। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की। इस कार्यक्रम के